हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल ऑफ इट। सो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और यहाँ पे हम लोग बालकनी में अपने बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है और शायद आपके यहाँ भी नहीं आ रही होगी क्योंकि आजकल वो लाइट की स्ट्राइक चल रही है बिकॉज ऑफ कि शायद प्राइवेटाइजेशन होने वाला है लाइट का, तो लाइट की स्ट्राइक चल रही है, तो इसीलिए हम लोग आके यहाँ पे बालकनी में बैठ गए हैं क्योंकि हमारा इन्वर्टर भी ऑलमोस्ट बस अब ख़त्म होने वाला है। तो हम लोग जब सोच रहे हैं जब तक लाइट नहीं है, जब तक बाहर की रोशनी है तो बाहर ही बैठे हैं और अंदर लाइट्स बंद कर दिए हैं, तो बस हम लोग यहाँ बालकनी में बैठे हैं, अब जा रहे हैं रेडी होने और फिर हम लोग जा रहे हैं पार्क। तो पहले रेडी हो जाते हैं, फिर पार्क चलते हैं, फिर उसके बाद ना आपसे बात। ये हम लोग जा रहे हैं अब गार्डन। आशी हाय करो सबसे। हाय। ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गार्डन में। गार्डन में? गार्डन में तुम क्या करोगी? गार्डन में झूला झूला झूला। ओके। गार्डन में झूला झूला। क्या होता है ये? आ गए। तो 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 चलो चलो आगे, तुम अभी अभी किसी कर लेना। अच्छा आगे बढ़ो दादी के साथ तुम, चलो आगे हम इसको साइकिल। हाँ जो पकड़ो, हाँ पकड़ो, भागो नहीं, गाड़ियां जा रही हैं। ये हम लोग गार्डन ऑलमोस्ट पहुंच गए। हाय हाय, दादी कहाँ गई? दादी तो उधर है। उधर है? किधर है? आए आपको तो नहीं पता। कल चढ़ो स्ट्रॉन्ग गर्ल। मैं आऊँ? मैं आऊँ? रुको मैं आ रही हूँ, रुको रुको, मैं वेट वेट वेट, चढ़ो चढ़ो। चल लिया नहीं? ठीक है ठीक है, और फास्ट कर सकती हो दीदी। एलिस कौन है दीदी? ये देखो दीदी कहाँ झूल रही है, बस उतरना है। ये एलिस, एलिस को देखो कितना मजा आ रहा है, छोटी सी। अरे वाह। हाँ वो एक्चुअली ना उसकी जो जो सिस्टर उसको करती है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाता है कि हाँ वो कर रही है तो मैं भी कर लूंगी। ये हम लोग आशी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। ओके चलो चलो टर्न करो, टर्न 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 टर्न। ये डोंट टच। अभी आएंगी दादी, उस गेट से निकली है ना, हम लोग को इस गेट से जाना है। सो गाइस बस अब हम लोग गार्डन से जा रहे हैं घर, तो बस अब मैं घर जाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आशवी एलिस ने बहुत एंजॉय किया। आशवी तुमने एंजॉय किया ना? या तो बस अब हम लोग गार्डन से जा रहे हैं घर। अंधेरा हो चुका है, बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज आ रहे हैं, तो बस अब हम लोग घर जा रहे हैं, घर जाके मिलती हूँ।
सो गाइज, अब हम लोग आ चुके हैं पार्क गार्डन से और आशवी आलस ने गार्डन में बहुत इंजॉय किया। तो बस अब हम लोग जा रहे थे आशवी आलस के क्लोथ्स चेंज करने, क्योंकि वहां से आने के बाद वही क्लोथ्स नहीं पहनाते, आते ही उन लोगों ने हैंड वॉश किया फिर क्लोथ्स चेंज किए। तो बस अब मैं जा रही हूँ उन लोगों को पहले कुछ देने खाने के लिए और उसके बाद डिनर प्रिपेयर करते हैं। तो देखते हैं कि डिनर में क्या बनने वाला है। और मैं तो सोच रही थी कि आज लाइट आएगी नहीं, लेकिन एट लास्ट लाइट आ गई है और ये है। तो बस मुझे तो लग रहा था कि लाइट आने ही नहीं वाली है। चीज सुन के मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमारी जो लाइट कनेक्शंस है वो उसकी प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है, क्योंकि हमारा तो चलिए हमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो लोग जो प्राइवेटाइजेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लाइट के, तो उनको तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इसके लिए कुछ करना चाहिए और इस प्राइवेटाइजेशन को रोकना चाहिए। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बस यही है। और आज तो लाइट का इतना बुरा हाल था, मुझे लगा कि पता नहीं लाइट आएगी भी कि नहीं आएगी, लेकिन एट लास्ट लाइट आ गई। सुबह 12 बजे से लाइट गई हुई थी और फिर अभी शाम को आई है अराउंड 5:30 पे। तो बस मुझे लग रहा था कि पता नहीं आना है कि नहीं आना है लाइट को, और लग रहा था फिर रात में बच्चे कैसे सोएंगे, क्योंकि इन्वर्टर भी ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गया था, उसकी भी बैटरी डाउन, मतलब उसकी भी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। तो बस यही लग रहा था कि लाइट आएगी कि नहीं आएगी। इवनिंग में जैसे मैंने आपको देखा था, आप लोगों ने, कि हम लोग शाम को बाहर ही जाके बैठे थे ताकि हम लोग को लाइट यूज़ ना करनी पड़े। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो आइए पहले चलते हैं, कुछ बनाते हैं, फिर उसके बाद मैं डिनर प्रिपेयर। यहाँ पे आशवी और एलिस के लिए मैंने बेसन की आलू वाली पकौड़ी बना दी है, और इन लोगों को बस ऐसे लाइट से ही दे दूँगी खाने को। और ये आशवी एलिस को बेसन की आलू वाली पकौड़ी बहुत पसंद भी है। और हम लोग रात के डिनर के लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं फ़िश फ्राई, और आप इसको फ़िश के पकौड़े भी कह सकते हैं। इसमें हम लोगों ने ऐड किया है गार्लिक पीस कर, और इसमें हम लोगों ने हाफ लेमन ऐड किया। आप चाहें तो एक फुल लेमन भी ऐड कर सकते हैं अपनी फ़िश की क्वांटिटी के हिसाब से। और यहाँ पे हम लोग इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, और फिर जा रहा है हमारा रेड चिल्ली पाउडर, और इसमें ये गया चावल का आटा, और फिर जा रहा है बेसन। और इसको हम खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके इसको हम लोग फ्रिज में रख देंगे एटलीस्ट 2 घंटे के लिए। और फिर बस फिश इसको निकालने के बाद हम लोगों ने एक कढ़ाई में सरसों का तेल खूब अच्छे से गर्म करके उसमें अब हम लोग फ़िश फ्राई कर रहे हैं। और बस अब इसको हम फिश फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इसको हमको डीप फ्राई करना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश ना आ जाए, और इसको अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है। और बस फिर हमारे फ़िश के पकौड़े और फ़िश फ्राई रेडी हो जाएगी। इसको हम लोगों ने खाया था ग्रीन चटनी के साथ, आप चाहें तो इसके साथ दही वाली चटनी भी बना सकते हैं। और ये देखिए हमारे फ़िश के पकौड़े फ्राई होके रेडी हो गए हैं। ये देख के आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।